नमस्कार बच्चों, हमने गत दिवसों में अनेक सामान्य अभ्यास पत्र किए जिसमें विलोम शब्द भी थे। आप पिछली कक्षाओं में विलोम शब्द पढ़ते आ रहे हैं, आज हम फिर से उसे दोहराकर अभ्यास पत्र करेंगे, यानी पुस्तक अभ्यास पूर्ण करेंगे। विलोम शब्द, यहाँ दो दृश्य दिखाए गए हैं जो कि दोनों विपरीत स्वभाव दिखा रहे हैं, दयालु और क्रूर। ये दोनों ही शब्द विपरीत शब्द हैं जिसे हम विलोम शब्द भी कहते हैं, अर्थात परिभाषा जो शब्द अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के विपरीत अर्थ का ज्ञान कराते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। यहाँ एक अनुच्छेद ब्लैकबोर्ड पर लिखा गया है जिसे अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है, उस आधार पर विलोम शब्द सिखा रही है। एक लड़का था, उसका नाम रमन था। वह अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं करता था। अमीर गरीब विलोम शब्द है। वह सभी का आदर करता था, निरादर नहीं करता था। आदर और निरादर विलोम शब्द है। वह रोज के आय व्यय का हिसाब रखता था, आय और व्यय विलोम शब्द है। वह व्यवहार से क्रूर नहीं दयालु था, क्रूर और दयालु। वह हमेशा सार्थक बातों को अपनाता था और निरर्थक बातों से दूर रहता था, सार्थक और निरर्थक। वह ज्ञान अज्ञान के अंतर को समझता था, ज्ञान और अज्ञान विलोम शब्द है। कोई उसकी निंदा नहीं करता था, सभी उसकी प्रशंसा करते थे, निंदा और प्रशंसा। वह लड़का बड़ा होकर एक महान व्यक्ति बना। ये जो शब्द हमने ढूंढने हैं वह हम नीचे लिखेंगे। निम्नलिखित विलोम शब्द हम पढ़ेंगे, अक्षम सक्षम, अनुकूल प्रतिकूल, अनुराग विराग, अपव्यय मितव्यय, अनिवार्य ऐच्छिक, अभिमान निरभिमान, अमीर गरीब, अमृत विष, अर्थ अनर्थ, अल्पायु दीर्घायु, आदर निरादर, आदि अंत, आय व्यय, आयात निर्यात, आरोह अवरोह, आवश्यक अनावश्यक, आहार निराहार, आशा निराशा, इच्छा अनिच्छा, स्वीकृति अस्वीकृति, उत्थान पतन, उदय अस्त, उद्यमी आलसी, उन्नति अवनति, उपस्थिति अनुपस्थिति, उष्ण शीत, उष्ण होता है गर्म, शीत होता है ठंडा, एकता अनेकता, कम ज़्यादा, कीर्ति अपकीर्ति, कीर्ति होती है यश और अपकीर्ति अपयश, कोमल कठोर, क्रूर दयालु, कृतज्ञ कृतज्ञ, कृतज्ञ होता है एहसान मानने वाला और कृतज्ञ होता है एहसान न मानने वाला, गोरा काला, जय पराजय, जागरण निद्रा, ज्ञान अज्ञान, दानी कृपण, कृपण होता है कंजूस, निंदा स्तुति, निंदा होता है आलोचना करना और स्तुति होता है दूसरों की प्रशंसा करना, निर्मल मलिन, निर्मल पवित्र, मलिन मैला, नूतन पुरातन, नूतन यानी नया, पुरातन यानी प्राचीन, पाप पुण्य, प्रत्यक्ष परोक्ष, प्रत्यक्ष यानी सामने, परोक्ष यानी हमारी आंखों से परे, पृथ्वी आकाश, प्राचीन नवीन, बंधन मुक्ति, बाह्य आंतरिक, हमारे जो गुण होते और हमारी सुंदरता बाह्य होती है और जो गुण होते वो आंतरिक होते, मानव में यह गुण देखे जा सकते हैं, महान तुच्छ, महाप्राण अल्प प्राण, मानव दानव,
मूक वाचाल, मूक होता है मौन, वाचाल होता है अधिक बोलने वाला, यश अपयश, योगी भोगी, राग द्वेष, राग होता है प्रेम, द्वेष होता है शत्रुता की भावना, राजा रंक, शांत उग्र, शाश्वत क्षणिक, शाश्वत हमेशा रहने वाला, क्षणिक पल भर रहने वाला, शुभ अशुभ, श्वेत श्याम, सज्जन दुर्जन, सत्कार तिरस्कार, सत्य असत्य, सदाचार दुराचार, सनाथ अनाथ, सरल जटिल, सरस नीरस, सार्थक निरर्थक, सुख दुख, सुगम दुर्गम, सुपुत्र कुपुत्र, सूक्ष्म स्थूल, सौभाग्य दुर्भाग्य, स्फूर्ति आलस्य, हर्ष शोक, हानि लाभ, हित अहित, अभ्यास, अभ्यास एक, निम्नलिखित शब्दों के जो विलोम शब्द नहीं है उन पर गलत का निशान लगाइए। क प्रश्न, जवाब और प्रश्नोत्तर गलत उत्तर हैं। ख सत्य, झूठ और सच गलत उत्तर हैं। ग ठंडा, वस्त्र और ऊन गलत उत्तर हैं। गरम सही उत्तर है। घ जागरण, जगना और सोना गलत उत्तर है। निद्रा सही उत्तर है। ड सुपुत्र, कुपुत्र सही उत्तर है। पुत्र और कपूत गलत उत्तर है। सब पे गलत का निशान लगाते जाए। दूसरा, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूर्ण कीजिए। क हमें आय के अनुसार ही व्यय करना चाहिए। रिक्त स्थान में क्या लिखना है? व्यय। ख जो अज्ञानी है उन्हें ज्ञानी की कीमत क्या मालूम? ज्ञानी लिखिए। ग हमें अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। गरीब रिक्त स्थान में लिखिए। घ अपने सुख में लीन होकर दूसरों के दुख को भुला देना ठीक नहीं है। दुख लिखिए। ड हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। दुरुपयोग नहीं, दुरुपयोग रिक्त स्थान में भरिए। च सत्य को सभी पूजते हैं और असत्य का सभी निरादर करते हैं। असत्य शब्द लिखिए। छ सुनामी से पहले जो सनाथ थे वे हजारों बच्चे क्षण भर में अनाथ हो गए। अनाथ लिखिए। अभ्यास तीन, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। क हानि लाभ, ख कृतज्ञ कृतज्ञ, ग निद्रा जागरण, घ हर्ष शोक, ड कुरूप सुंदर, च आदर निरादर, छ स्फूर्ति आलस्य, ज अनुकूल प्रतिकूल, झ दयालु क्रूर। चौथा, विलोम शब्द किसे कहते हैं? हमने अभी पृष्ठ जब पढ़ा था उसमें लिखा था कि जो शब्द अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के विपरीत अर्थ का ज्ञान कराते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। इसको पूर्ण कीजिए और शेष गतिविधि विधि वर्ग पहले देखकर पूर्ण कीजिए। धन्यवाद।